वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का पता है मनाया जा रहा है? नहीं, अगर आप तो कहें तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता. आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट डे, सॉरी, नहीं पता इस बारे में. खुश रहना बहुत ज़रूरी है. अपनी ज़िंदगी से कितने खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, बिकॉज आई एम मैरिड. मैं अपनी वाइफ के साथ हमेशा खुश रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि खुशी रहा जाए. बहुत ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा. तो मैं 100% खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बिकॉज सेम हियर. आपकी नज़र में खुशी क्या है? खुशी हर वो चीज़ जो कि जो है आपको एक होता है गूज बम्प्स, जो गूज बम्प्स क्रिएट करे आपकी पर्सनैलिटी के अंदर और आपको यार कि मैंने करना है और आप कर जाओ, वो आपको खुशी देती है. मेरी नज़र में खुशी है आपकी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है, वो किसी भी तरह से हो सकती है कि आपने कोई काम किया है, आप उससे कैसे खुश होना चाह रहे हैं. लोग जो हैं आपस में एक दूसरे का एहसास करें और पॉजिटिविटी जो है उसको है अप्रोच करें और उसी को जो है स्प्रेड करें एवरीवेयर. मेरी नज़र में खुशी कोई भी अचीवमेंट है सबसे पहले, जो मेरी अपनी है कोई भी. आप जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? जो भी मैं काम करूं वो मैं खुश नीयत से करता हूं, तो उसको अपनी खुशी समझता हूं. फैमिली में से जो है वो सरप्राइज़ हैं कि जब भी कोई बहन भाई या वाइफ कोई भी सरप्राइज़ देती है आपको तो तब बहुत ज़्यादा खुशी होती है. मैं जब खुश होता हूं तो अपनी फैमिली के साथ टाइम जो मैक्सिमम स्पेंड करता हूं. मैं अपना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ, इसमें मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है. ये एक हंसता मुस्कुराता चेहरा आ रहा है, हंसते रहते हैं, इनसे पूछने की खुशी का रास्ता है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ठीक ठाक. आप ये बताएं कि खुश रहने के लिए क्या करते हैं? खुश रहने के लिए हैप्पी रहता हूँ, ऑलवेज हैप्पी. और अपनी ज़िंदगी से कितने खुश हैं? मैं अपनी ज़िंदगी से 110% खुश हूँ. अल्लाह ताला का शुक्र है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. अच्छी वाइफ है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे भाई बहन हैं, ठीक है, और अच्छे रिलेटिव हैं, कुलीग हैं, सब कुछ अच्छा है. खुशी से जीना या सिर्फ जीना? खुशी से जीना, हर पल को जीना. खुशी से जीना, इसके अलावा जीना क्या? आपने कोई अचीवमेंट ली है उसको आप खुशी में कन्वर्ट कर लें या फिर उसको आप टेंशन में जो है वो चेंज कर लें, वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ से कैसे खुश रहना चाहते हैं. आप कितने खुश हैं अपनी ज़िंदगी? मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. आप खुश हैं? हाँ जी, कोशिश करते हैं खुश रहने की. खुशी कितनी ज़रूरी है? खुशी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, आपको मतलब एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आपको हैप्पीनेस काफ़ी ज़रूरी है. खुश होने की वजह? पॉजिटिव. कोशिश क्यों करते हैं, खुश क्यों नहीं है? देखिए ये तो एक लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे मुल्की हालात और ग्लोबली हालात की वजह से बंदा डिप्रेस हो जाता है. ऐसे कोशिश करते हैं, परेशानी एम्प्लॉयमेंट की परेशानी वगैरह, बाकी ऐसे कोशिश करते हैं खुश रहने की, पॉजिटिव रहने की. बेसिकली ये हमने ना मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, छोटी छोटी खुशियों में हम खुश नहीं होते. हमने अपना लेवल काफ़ी इंक्रीज़ कर लिया है, इस वजह से काफ़ी हम खुश नहीं रह सकते, मतलब खुश नहीं रहते हम इस वजह से. पॉजिटिव रहना मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मैटर करता है. अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर चीज़ ही मिलेगी, आप छोटी से छोटी चीज़ में अपनी खुशी ढूंढ लेंगे. खुश क्यों नहीं रहते? खुश क्यों नहीं रहते, बस एक ओवर थिंकिंग है, इंसान की हैबिट है ओवर थिंक करना चीज़ों को, इस वजह से. रूहानी खुशी या मादी खुशी? अगर आप रूहानी खुशी है तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन होनी दोनों चाहिए, लेकिन रूहानी खुशी आई विल प्रेफर के रूहानी खुशी होनी चाहिए, अंदर से बंदा सेटिस्फाई होना चाहिए बंदे. दोनों मैटर करती हैं, लेकिन रूहानी ज़्यादा होती है. रूहानियत से आपका अंदर सेटिस्फाई हो जाए, जब अंदर सेटिस्फाई है तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आती है. परेशान होने से, डिप्रेशन में जाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं. ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है. वो कैसे, खुश है अपनी ज़िंदगी से? खुशी ढूंढनी पड़ती है, कोई देता नहीं है, खुद ही क्रिएट करनी पड़ती है. अच्छा, आप पहले ही खुश नहीं हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि कोरोना वायरस ने आपकी खुशी को कितना मुतासर कर दिया? 0%. पहले खुश नहीं है और ऊपर से उससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वो भी एक कोरोना वायरस ने ऐड की है, परेशानी ऐड की है, लेकिन 0% हैप्पीनेस, मेरा कोई हैप्पीनेस इंडेक्स लो नहीं हुआ. खुश रहना कितना मुश्किल कितना आसान? खुश रहना मुश्किल नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी माइंड ऑफ थॉट के ऊपर. मतलब आपने अपने आप खुद को समझाना है कि आपने खुद को किस तरह खुश रखना है. वैसे खुश रहते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो खुश रहते हैं. नहीं, हम अमूमन खुश नहीं रहते, हमें जो भी हो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अल्लाह ताला हमें दे दे, लेकिन हमें होता है कि हम उसमें से कोई ना कोई चीज़ ढूंढ के अपने आप को गमगीन रखते हैं, और इसी चीज़ पे हमें वर्कआउट करना चाहिए कि हम वो चीज़ ढूंढें छोटी से छोटी जो हमें खुश रख सकती है और हम खुश रहें. खुश रहने के लिए क्या करती हूँ? खुश रहने के सोती हूँ, लोगों से बातें, मूवीज़.
खुश रहने के लिए ट्रैवलिंग भी कर लेती हूँ, जो मेरा दिल किया वो करती हूँ, योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, घर बात करती हूँ। खुश रहने के लिए फ्रेंड्स के साथ हैंगआउट वगैरह होता है, आप उनके साथ टाइम गुजारते हो, बाहर जाते हो इकट्ठे, कोई ना कोई एक्टिविटी हम लोगों की होती है। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह इनके अपने आप को खुश रख सकते हैं। इसमें ये है कि आप अगर दोस्तों के साथ गपशप में खुश होते हैं तो मैं वो दोस्तों के साथ गपशप करता हूँ। खुश रहने के लिए वो करता हूँ जो दिल करता है। ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूँ। उसका रीज़न ये है कि खुशी बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। लोगों का ख्याल रखना, काइंडनेस, आप जो है जितनी शेयर करो अपनी चीज़ें और खुशियाँ दें, खुशियाँ लें, इसी तरह इंसान खुश रहता है और इंटरनल हैप्पीनेस की बेसिकली जो एलिमेंट है वो भी इसी तरीके से ही आता है। अच्छा, जब मैंने खुश होना हो तो मैं पहले अपना ज़हन बनाता हूँ कि इन सारी परेशानियों में आने से पहले, ये जॉब या स्टडी में आने से पहले, जो बचपन में हमारा ज़हन एक प्योर ज़हन होता था, उसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर खुश होते थे। तो मैं भी फिर अपने आप को ट्रीट देता हूँ, कभी कभी अकेले बाहर निकल जाता हूँ, खुद को ट्रीट दी, लाजमी दोस्तों का वेट नहीं किया, कहीं अच्छी जगह पे टूरिस्टिक प्लेस पे चला जाता हूँ, अच्छी जगह पे बैठ के खुद बर्गर खा लिया या कुछ इस तरह करके। तो उन अपने जहन को बिल्कुल प्योर करके और अपने आप को, यानी जो भी अवेलेबल है उसी में से खुशी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा स्टाइल है बस। खुश रहना कितना बहुत ज़रूरी है। खुश रहेंगे तभी आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रख सकेंगे, तभी एक पॉजिटिव क्लाइमेट होगा आपके इर्द गिर्द। बहुत ज़रूरी है, एक सेटिस्फेक्शन होती है। हाँ, आजकल के ज़माने में तो खुशी वाकई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुश नहीं रहते तो आप हर टाइम एक ही जैसे मूड में नहीं रह सकते, आप परेशान हो, सैड हो। तो इस वजह से आपको खुश रहने के लिए जो आपका दिल करे वो करना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुश ना रहने से बीमार हो जाता बंदा और ज़हनी मरीज़ बन जाता है, इसलिए खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहना ज़रूरी तो है, लेकिन आजकल के हालात देख के तो बिल्कुल भी नहीं खुश रहा जा सकता। अच्छे डिसीजंस लेने के लिए आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है, उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि खुश रहना चाहिए बंदे को। सर्चिंग, ठीक है, सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। अच्छा, ट्रैवलिंग या बुक? बुक्स। ट्रैवलिंग या घर पे? ऑब्वियसली ट्रैवलिंग। मोबाइल या किताब? किताब। गेम्स या फ्रेंड? फ्रेंड्स। टीवी या फोन? टीवी। फोन या फ्रेंड? फोन। टीवी या फ्रेंड? फ्रेंड्स ऑब्वियसली। टीवी या बुक? टीवी। बुक्स से एलर्जी है। बुक्स या टीवी? टीवी। टीवी या फ्रेंड? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स या मोबाइल? मोबाइल। टीवी या बुक? टीवी। फोन या बुक? फोन। मोबाइल या बुक? मोबाइल। पसंद की चीज़ क्या है सबसे अच्छी खुश रहने के लिए? एक्टिविटी, खाना, फ्रेंड्स, सोना, क्या? फ्रेंड्स, बातें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। मोबाइल या दोस्त? मेरे ख्याल से दोस्त ज़्यादा मुझे, क्योंकि पहले दोस्त थे तो हर बंदे खुश, अब मोबाइल, हर दो लोग, अब हम लोग ही बैठे होंगे ना तो मोबाइल पे लगे तो वो कुछ मेरे ख्याल से भी बेहतर नहीं। कोई मैसेज देना चाहेंगी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के हवाले? खुशी गमी साथ साथ चलते हैं, तो लिहाजा डिसपॉइंट नहीं होना चाहिए इंसान को, हैप्पी रहना चाहिए। आजकल के दौर में ये देखा जाता है कि हमें अपनी तो नहीं पड़ी होती है, हमें दूसरों की ज़्यादा परवाह होती है कि दूसरे लोग क्या करें। तो जब तक हम अपने काम से काम नहीं रखेंगे और दूसरों के लिए से वैसा ही प्रेफर नहीं करेंगे जैसा हम खुद प्रेफर करते, तब तक हैप्पीनेस क्रिएट नहीं हो सकती। अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर अपने आप को मुतमईन करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। मैं तो यही कहूँगा कि पॉजिटिव रहें, बस यही मैसेज है। अगर आपने खुश रहना तो दूसरों को भी खुश रखें, क्योंकि अगर आप दूसरे खुश रहेंगे आपके इर्द गिर्द के लोग भी, आपको भी अल्टीमेटली उनके वसीले से खुशी मिलेगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखें, आप खुद ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। आपके इर्द गिर्द लोग जितने भी हैं उनका ख्याल रखें, वो जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कोशिश करें, अगर आपके इख्तियार में है तो वो पूरा करें। अपने आप को मुतमिन रखें और अच्छे के लिए कोशिश करें, हमेशा अच्छा नहीं होता लेकिन आपको अच्छे करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लाजमी है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे, अपने आप को मुतमिन नहीं करेंगे, तो आपके जो मेंटल जो हेल्थ के ऊपर, इसके ऊपर असर पड़ता है और जितना आपका जहन के ऊपर असरात होंगे वो आपकी बॉडी को भी सपोर्ट नहीं करेगा। एंड हैप्पीनेस इज लाइक दैट थिंग व्हिच यू हैव टू क्रिएट बाय योर ओन सेल्फ। कोई दूसरा आके आपको खुश नहीं करेगा, आपको खुद अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने चाहिए। दैट हाउ यू, दैट व्हाट थिंग्स मेक यू फील हैप्पी। Stay blessed, stay happy, keep smiling.